अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल एवरीवन ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड टेकिंग थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर योर बेसिकली लर्निंग दिस सेशन। अच्छा जी, आज शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस योर माई सेल्फ, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा तारुफ लूंगा। मेरा नाम हादी फारूकी है। आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मेनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर अबाउट 6 years नाउ। एंड आई हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, दैट इंक्लूड्स रियल एस्टेट सेक्टर, एनजीओस, एफएमसीजीज, एंड राइट नाउ सर्विंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर इन अ फिनटेक कॉल्ड बी फाइलर। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए आप घर बैठे टैक्स फाइल कर सकते हैं। बिफोर दैट आई वाज अभी विच इज़ ए फिनटेक ऐप, एंड आई वाज सर्विंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। और मेरे पास तकरीबन 6 सालों के दरमियान आई हैव स्पेंड अराउंड मोर देन 100 मिलियन इन एड स्पेंड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दैट इंक्लूड्स फेसबुक, गूगल, प्रोग्रामेटिक और मुख्तलिफ जितने भी एड के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। अच्छा जी, तो ऑल्सो आई एम गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटियर, जिसमें मेरे पास एप्स की, गूगल ऐप्स की, गूगल एड्स की, सर्च की, डिस्प्ले की तमाम सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। जब आप एक दफ़ा मैदान में उतरते हैं और आप जब करना शुरू करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन बहुत आसान लगना शुरू होती हैं। 2018 में मेरी शुरुआत हुई थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, अलायंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। वहाँ पे मैं सोशल मीडिया एसोसिएट के तौर पर, जिस तरह एक कम्युनिटी मैनेजर होता है, एक पोस्टिंग करने वाला, सोशल मीडिया कैलेंडर बनाने वाला, उसके तौर पर मैं आया था। वहाँ से फिर मैंने एक्सेल करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह लर्न सो मच। और मैं चाहता हूँ कि अब हम इस चीज़ को आगे लेके चले, मैं आप लोगों को सिखाऊं ताकि आप लोग आप दूसरों को सिखाएं और खुद अपने आप को भी एक्सेल कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जितनी भी हम, मैं ये चाहूंगा कि इस पूरे सेशन के अंदर जो हम इंगेजिंग रखें, कन्वर्जिंग रखें और इसमें आप लोगों को मैं शामिल करूं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से होगा और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी हमारे सवाल होंगे उसके जवाब आपने चैट बॉक्स में देने, मैं उसको फॉलो भी करता रहूंगा। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फेसबुक एड्स के साथ या मेटा एड्स के साथ कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर जीरो है तो चैट में जीरो लिखिएगा, सालों का है तो 1, 2, 3, 4 लिखिएगा, और अगर आपका बिल्कुल मंथ्स में है तो 2M, 3M, 4M उस तरीके से लिख दो। एक दफा मुझे अंदाजा हो जाएगा। गुड गुड, यू हैव 10 सेकंड्स मोर। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, देन यू गाइज माइट बी द परफेक्ट ऑडियंस फॉर दिस सेशन। और मैं चाहूंगा कि अब इसको आगे लेके चलें। अच्छा जी, सबसे पहले तो एड्स को समझने की जरूरत है कि एड्स कौन चलाता है। एड्स या तो आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चलाएंगे, जो आप बेच रहे हैं, या आपने बनाया है, या आप इसको लेके आगे मार्केट करना चाहते हैं, या आप किसी क्लाइंट के लिए एड बनाना चाहते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ को बेचना है, उसको लोगों को दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाना है और उनसे कोई एक्शन ड्राइव करना है, ये एड्स कहलाए जाते हैं। फेसबुक एड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक एड्स अक्सर मुख्तलिफ नीशेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई कपड़े बेचने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई जूते बेचता है उससे, कोई अपने कोई रेज फंडिंग रेज करते हैं करने के लिए एड्स चलाता है, कोई लीड्स जनरेशन के लिए करता है, कोई सिर्फ अवेयरनेस के लिए करता है। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलूंगा। तो हम दो लोग हैं, एक वो कि जिसका या तो अपना ब्रांड है या अपना प्रोडक्ट है, एक वो जो किसी दूसरे क्लाइंट के लिए एड्स चलाना चाहता है। पहला स्टेप सबसे पहले समझने की है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो बेचना किसको चाहते हैं। तो आइए आज सबसे पहले मैं आप शुरुआत करूंगा कि एक मेटा एड्स पे जाने से पहले कि हम जो बेचना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है। मैं आप लोगों से कहूंगा चलें शुरुआत करते हैं, आप लोग मुझे कोई प्रोडक्ट बताएं क्या बेच रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखें, किसी की एक सजेशन लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बताओ। क्लोथ्स और कोई शूज, शूज शूज लेट्स 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 ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, टेक कैटेगरी, लेट्स स्टार्ट विद शूज। बहुत आसान वाले से ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जनाब ये शूज है। अच्छा, ये शूज किसके हैं? अच्छा, नीश, नीश वो होती है किस उसमें आप करना चाह रहे हैं काम, तो ये ई कॉमर्स की नीश है, जाहिर है कि आप बेचना चाह रहे हैं इसको ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स आ गया। ये जूते किसके हैं, ये बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, किसके हैं? हैंडमेड है, मेडिकेटेड शूज हैं, इंटरेस्टिंग, किड्स के हैं, लेडीज के हैं। अच्छा, मेडिकेटेड शूज आई विल नॉट गो विद दैट, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर जो लोग शुरुआत करते हैं ना, किड्स और लेडीज और बड़ों के शूज से ही, मर्दों के शूज से शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो विद द मासेस ऑन दिस राइट नाउ। तो चलें लेडीज शूज करते हैं ना। तो हमारे शूज हैं
ये लेडीज के शूज हैं, ई कॉमर्स के नीच में आते हैं। अब इसकी जी टारगेटिंग कौन होगी, किसको आप टारगेट करना चाहेंगे? ये नौजवानों के शूज हैं, किसके लिए शूज हैं? मतलब आप इसके हम टारगेट ऑडियंस ले लेते हैं कि जनाब 18 साल से लेके 40 साल तक की तमाम पावर विमेन। अच्छा, अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट में आखिर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी एक वजह बताता हूँ। तो वेमेन है और इंगेज शॉपर्स होंगी, ये ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदती होंगी। अच्छा, इंटरेस्टेड किस में होंगी? शूज में होंगी, ई कॉमर्स में होंगी। मैं थोड़े से इंटरेस्ट लिखना चाह रहा हूँ लोगों के, कॉस्मेटिक्स में होंगी। ये थोड़े से वो है कि जो मैं एक जनरल एक प्लान लेके चलना चाह रहा हूँ कि अच्छा जी, मैं किसी क्लाइंट से पूछ रहा हूँ कि यार आप लेडीज शूज बेचते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में आप क्या क्या चीजें, कौन कौन खवातीन आपके पास आती हैं, ये मैं उसकी एक ब्रीफ तैयार कर रहा हूँ। फिर इंटरेस्टेड इन रिलेटेड ब्रांड्स, वेरी गुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे कोई लेडीज शूज के ब्रांड के नाम बताया, आई डोंट टोटली रिमेम्बर राइट राइट नाउ, किसी को याद है? स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, स्टाइलो, चलो स्टाइलो, वॉकीज, ये ब्रांड के नाम आ गए आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, ये वो है कि ये तुम्हारे कंपेटिटर एनालिसिस में काम आते हैं कि स्टाइलो हो गया, वॉकीज हो गया, तुमने इनके जाके सोशल मीडिया हैंडल्स देखे यार ये किस तरीके से बेचना चाह रहे हैं, तो ये तुम्हारे कंपेटिटर एनालिसिस में आते हैं, ये ब्रीफ तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये डेमोग्राफिक कहाँ बेच रहे हो भाई? कराची में बेच रहे हो, सिर्फ पंजाब में बेच रहे हो, या पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हो, या मतलब पूरे इंटरनेशनली बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो? सबसे पहले कराची की बात करते हैं, कराची में बेचते हैं और पंजाब में बेचते हैं, ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, राइट नाउ मैं तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक्स पे लेकर आ रहा हूँ, तो इस वक्त इसको इस तरह समझेंगे कि जो हमारा क्लाइंट है या आप लोग हो, आप लोगों के पास अभी वेबसाइट नहीं, आप लोगों के पास अभी सामान आप लोगों ने खरीद लिया, आपको बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास वेबसाइट तैयार करने का पैसा इस वक्त था नहीं, तो अब आपको फेसबुक एड्स के जरिए बेचना है, तो उससे किस तरीके, क्या तरीकेकार हो सकते हैं इसके? तो हमारे पास बजट कितना है? बजट हमारे पास होगा कह लो कि 50,000 रुपये। ड्यूरेशन करते हैं 1 महीने का। ऑब्जेक्टिव टू गेट सेल्स, जाहिर है बेचना है हमें, टू गेट सेल्स पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसा ही है। कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो तो प्लीज मुझे फौरन कर देना कि मुझे मुश्किल लग रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा वो कुछ कर दें। अच्छा जी, की मैसेज क्या है आपका? जो जूते बेचना चाह रहे हैं आप, उसमें कोई आप ऑफर देना चाह रहे हैं, या आप उसके अंदर कहते हैं लेट्स 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 स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो उसने ऊपर कहा था ना कि मेडिकेटेड शूज है, क्या मेडिकेटेड शूज है भाई, ये मार्केट में पहली दफ़ा कराची में हम लॉन्च कर रहे हैं और इससे पहले किसी ने लॉन्च नहीं किया, और ये हमारा की मैसेज है, और ये बड़े की मैसेज ये हमारा है कि ये मेडिकेटेड शूज आपको मिलते हैं मार्केट से 30% लेस रेट पर, ये आपका यूएसपी है। मार्केट, अच्छा, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि आपको क्या चीज दूसरों से मुनफरद करती है, कि आपके जिस तरह मेडिकेटेड शूज वाले तो बहुत हैं, कह लीजिए कि आप क्या चीज़ क्यों खरीदे भाई, मतलब अगर मैं जूते बेच रहा हूँ तो वो वॉकीज को छोड़ के मेरा जूता क्यों खरीदे, या अगर कोई मेडिकेटेड दूसरा बेच रहा है तो मेरा क्यों खरीदे, ये चीज़ होती है, मैसेज होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी होती है जो आपकी एड कैंपेन्स के मैसेजिंग के अंदर जाती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। अच्छा जी, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस फॉर एग्जाम्पल आपके जो एड्स हैं वो कौन कौन सी जबान में बनाएंगे? उर्दू में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है जी, पश्तो में तो नहीं बना रहे, बना लो, पंजाब में तो नहीं रहा पश्तो, अगर केपीके में बना रहे हो तो केपीके में कर लो, मतलब ये वो है कि कौन कौन सी जुबान में आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल पंजाबी में ऐड बनाते हो आप, मैं चलो पंजाबी कर लेते हैं, ऐड आपने फिर वो जो स्टैटिक ऐड होता है ना आपका, जो तस्वीर होती है जिसमें ऐड लिखा हुआ होता है, फिर आपको पंजाबी जुबान में डालना पड़ेगा, पंजाब को टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन आई वुड गो, अभी क्योंकि मासे से करती नहीं है, उर्दू और इंग्लिश पे रहती है, तो हम उर्दू और इंग्लिश पर आएंगे। अच्छा ठीक है, ये मैं मीडिया प्लानर की बात बता रहा हूँ तुम्हें। अब वो फिर मीडिया प्लानर पूछता है, जनाब मेरा जो क्लाइंट है या आप मुझे एसेट्स क्या दोगे? एसेट्स क्या होते हैं? जो आप फेसबुक पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं आपके सामने पिक्चर आती है, या वो रील बनी हुई आती है, या वीडियो ऐड आता है, वो एसेट्स होते हैं।
कि भाई अगर जो एक पिक्चर स्क्वायर सी नजर आ रही है एड के तौर पे, उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक पोस्ट। स्टोरीज के अंदर पूरा का पूरा जो स्क्रीन ली हुई होती है, वो रील वीडियो चल रही होती है, उसको हम रील एड बोलते हैं। जो फीड के अंदर आपके पूरी के मतलब के रेक्टेंगल सा एड आ रहा होता है, उसको हम वीडियो एड बोलते हैं। फिर एक आता है एड कि जो आपने देखा होगा स्वाइप करते रहते हैं आप उसके अंदर, ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, फिर स्वाइप किया प्रोडक्ट आ गया, फिर स्वाइप किया फिर प्रोडक्ट आ गया, फिर उसको हम बोलते हैं कैरोसेल ऐड। स्टैटिक हो गया, रील हो गया, वीडियो हो गया, कैरोसेल हो गया। अच्छा जनाब, ये हो गए हमारे पास कैरोसेल। मैं अगर आप लोगों को अगर याद आ गया हो उससे, मैं आप लोग एक काम करता हूँ ना, कैरोसेल ऐड एग्जाम्पल्स, इससे शायद आप लोगों को याद आ जाए, हम मेजर में जाएंगे। आई होप यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द काइंड ऑफ एड जो कैरोसेल में होता है। याद आया आप लोगों को? ठीक है, ये कैरोसेल ऐड कहलाया जाता है। तो ये हमारा एक ब्रीफ प्लान छोटा सा तैयार हो गया। अब हमारे पास समझ में आ गया हमें कि जनाब हमें एक जूते बेचने हैं, ये खवातीन के जूते हैं, 18 से 40 साल तक की खवातीन इसको खरीदती हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर होती हैं। इन हमारे जो कंपेटिटर्स जो है ना, वो स्टाइलो हो गया, वॉकीज हो गया, ये हैं। हमारा मंथली बजट 50,000 रुपये है जो कराची और पंजाब में हमने लगाना है, 1 महीने का बजट है ये हमारे पास। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल लेकर आनी है, या हमें पोटेंशियल कस्टमर्स लेकर आने हैं। अच्छा, की मैसेज क्या है, जो खवातीन का जो जूता है ना, वो जूता हमारे पास 30% लेस रेट है मार्केट से, तो हम उसको बेच सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल ऑडियंस मौजूद है, और हम उर्दू और इंग्लिश में ऐड चलाएंगे। अच्छा, एसेट्स फॉर एग्जांपल ये वो है जो अगर क्लाइंट है तो आप इससे मांगते हो, या आप खुद अपने डिजाइनर वगैरह से बनवाते हो कि भाई ये स्टैटिक पोस्ट मुझे दो, ये रील एड मुझे दो, ये वीडियो एड मुझे दो। ये बनाने का काम जो होता है ना, ये बनाने का काम, इसका जो कंटेंट लिखने का काम होता है वो कंटेंट राइटर करता है, इसको डिजाइन करने का काम स्टैटिक पोस्ट को ग्राफिक डिजाइनर करता है, रील एड और वीडियो एड को वीडियो एडिटर बनाता है या एनिमेटर बनाता है, और कैरोसेल एड, ये तमाम चीजें मीडिया प्लानर को फराहम की जाती हैं, दी जाती हैं, वो उसको मिलती हैं, तो उसके बाद ही एग्जीक्यूशन पे उतरता है। आपने प्लान बना लिया, इसको जहन में रख लीजिएगा, ये चीज़ अपने पास आई होप ये प्रोवाइड इसको कर देंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये तमाम एक प्लान आप लोगों ने बाद में बना के मुझे मेरे साथ शेयर करना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अभी अब जहन में रखें, इस पर हम वापस भी आएंगे। ये हमारे पास प्लान तैयार हो गया। अच्छा जी, अब आपने कहा कि जनाब मुझे इस पे चलाने हैं एड्स, आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक पे आपके पास सामने ये खुला खुला सा आ जाता है, तो अब क्या करें जी? दो तरीके थे हमने बताया था, एक तरीका ये था कि एक तो अपने लिए ऐड चलाने, एक क्लाइंट्स के लिए ऐड चलाने। तो आपको अपने लिए ऐड चलाने हैं ना, जब तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे आपको नजर आ रहा हो तो ये सी ऑल आ रहा है, सी ऑल पे क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है एड्स मैनेजर। याद रखना, ये बूस्ट पोस्ट का जो बटन आ रहा होता है ना, आई वुड खुद आ रहा है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना, वरना कैंपेन जाया हो जाती है। वो फिर पैसा खाता है फेसबुक, और आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एड्स मैनेजर करता क्या। एड्स मैनेजर आपने खोला, माशाल्लाह नेट तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, हम डिजिटल कंट्री बने, और लोडिंग टाइम देखें आप। अच्छा जी, इस तरीके की स्क्रीन खुल जाती है आप लोगों के सामने, ये स्क्रीन कहलाती है एड अकाउंट की ओवरव्यू स्क्रीन। यहाँ पे आपको पता चलता है, अगर मैं आपको, क्योंकि ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, तो ये डेमो अकाउंट में आप लोगों को सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों को दूसरा एक फटाफट सा एक एड अकाउंट ये दिखा दूं, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से दिखते हैं। ई कॉमर्स का एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है कि भाई 25 परचेज हुई है लास्ट 60 दिन के अंदर, तुम्हारा बजट जो है यहाँ पर राइट का आपको नजर आ रहा होगा, इतना स्पेंड हुआ मेरा, इस तरीके से एक ओवरव्यू आता है। अच्छा, आपने कहा भाई हादी भाई हमें तो कैंपेन चलानी है ना, कैंपेन पे उड़ा रहे क्या, ये बात क्या कर रहे? उसके दो तरीके थे, ये देख रहे हो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पर आ गई कैंपेन्स, यहाँ से चलती हैं आपकी पूरी की पूरी कैंपेन्स। आपको अब ये वो है कि जब आपके पास अपना प्रोडक्ट है, आपको अपने प्रोडक्ट पे एक पेज बनाया हुआ है आपने, और उस पेज पे आपको मैसेजेस चाहिए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी क्लाइंट से एक्सेस चाहिए उससे कि यार अपने एड मैनेजर का एक्सेस दे दो, ताकि मेरे पास वो एक्सेस आ जाए, जिस तरह ये देख रहे हो मेरे पास भी 3 एड अकाउंट के एक्सेस रखे हैं मेरे अपने पर्सनल पे, किसी तरह किसी क्लाइंट का एक्सेस लेना है, तो उससे कहोगे कि भाई आप जाएं सेटिंग्स में, ये भी बता दूं ताकि फिर हम कैंपेन ड्राइविंग की तरफ चलेंगे।
और कैंप बिजनेस सेटिंग्स में जाके ये ऐड अकाउंट रूल्स देख रहे हैं आप, उसमें ऐड पीपल करें, और मेरा ईमेल जो भी आप तुम क्लाइंट से कहते हो, कोई भी ईमेल है, वो ईमेल यहाँ पे डलवा के उसको ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर के तौर पे यहाँ पे कंफर्म कर दें। जो भी बंदा होगा जिससे भी फेसबुक तुम्हारी लिंक होगी, ईमेल उस ईमेल पे तुम्हारे पास एक्सेस आएगा, वहाँ से आके तुमने एक्सेप्ट करना, तुम्हारे पास ये ऐड अकाउंट आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये टूल से यहाँ से भी एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं, देख लो ये जो हैमबर्गर मेन्यू बना हुआ है इधर से। अच्छा ये हैमबर्गर मेन्यू, इसको ना मैं पता नहीं बन कबाब बर्गर वाले मेन्यू कहता था, समझ नहीं आता था क्यों कहते हैं। देख लो तीन लेयर, ये बर्गर की तरह तीन हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं ऐप के अंदर भी, अक्सर तुमने ये तीन लेयर्स को हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। अच्छा कैंपेन पे आए हम, कैंपेन क्या थी हमारी कि हमें जूते बेचने थे कराची और पंजाब में, हमारे पास वेबसाइट नहीं है और हमें एक एड बनाना था। अच्छा अब लेट्स रीकैप ऑल ऑफ दैट, थोड़ा सा ब्रेक लो और मैं आप लोगों को जो चीज़ों बताऊंगा वो थोड़ी सी ब्रीफ लेने के बाद आप आगे अपने घर पे या अपने ऑफिस में, अब आप एग्जीक्यूशन पे उतर रहे हो तो तीन चीज़ों सोचो। मार्केटिंग हमेशा तीन ऑब्जेक्टिव्स पे की जाती है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस वो चीज़ है कि आप बस लोगों को शोर कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई मैं मार्केट में आ गया हूँ, बस लोग आसपास से गुजर रहे हैं आपके, वो एक दफ़ा आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपका बैनर देखते हैं, चले जाते हैं, लोगों को अपना पैगाम आपने पहुंचा दिया। कंसिडरेशन, वो आपकी दुकान में दाखिल हुए, आपकी चीज़ को इधर उधर देखा, विंडो शॉपिंग की, थोड़ी सी तफसीलात ली और चले गए। कन्वर्जन, तीन ऑब्जेक्टिव जो है वो आके आपके शॉप में आएगा, सामान खरीदेगा, पैसे देगा और फिर चला जाएगा, इसको इस तरह समझ लो। तो फेसबुक के अंदर भी ये टोटल तीन हिसाब से मार्केटिंग की जाती थी। अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं, ये देखो क्रिएट में गया मैं, यहाँ पर फेसबुक ने छह ऑब्जेक्टिव दिए थे मैं टोटल, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रोमोशन और सेल्स। यहाँ से कैंपेन अभी हम ड्राइव करना शुरू करेंगे। रुको, इससे पहले जो फेसबुक का लुक था ना, उसके अंदर फेसबुक लाता था अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस में दो कैंपेन्स चलती थी, ब्रांड अवेयरनेस और रीच। कंसिडरेशन में ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक पता है किसी को कि कराची वाला ट्रैफिक ट्रैफिक क्या होता है, इसको कोई अंदाजा आइडिया? यस या नो कर दो, मसला नहीं। पीपल विजिटिंग आवर पेज, ठीक है। देखो जो वेबसाइट है ना आपकी, उस वेबसाइट के ऊपर लोग जब आ रहे हैं और सिर्फ आप उस मतलब लोगों को आपकी वेबसाइट तक भेजना, ये ट्रैफिक कहलाया जाता है, जिसको हम यूजर्स भी कहते हैं कि मुख्तलिफ मतलब लोगों को सिर्फ भेज दिया। ऐप स्टॉल्स, आपके लोगों ने ऐप स्टॉल कर लिया आगे। वीडियो व्यूज, कोई आपने कैंपेन लॉन्च किया, आपने फिल्म लॉन्च किया, फिल्म के वीडियो व्यूज बढ़ाने आपने, तो वीडियो व्यूज इस्तेमाल किया जाता है। लीड जेन, कोई सर्विस बेच रहे हो तुम, कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेच रहे हो, उसमें तुम्हें लीड्स चाहिए लोगों के लिए, तो ये कैंपेन इस्तेमाल होती थी। पोस्ट एंगेजमेंट, तुम्हें अपने पोस्ट में से ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स बढ़ाने, ये कैंपेन इस्तेमाल की जाती है। पेज लाइक्स, पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तमाम के तमाम। इवेंट रिस्पॉन्सेज, कोई तुम कराची यूनिवर्सिटी IBA के अंदर कोई इवेंट कर रहे हो, उस पर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो तुमने इवेंट बनाया, उसके लिए एड्स चला दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोइंग, नो गोइंग, तो इस तरीके से होता था। कराची ईट के अक्सर इवेंट जो है वो इस तरह इवेंट रिस्पॉन्सेज की कैंपेन चलते थे उनके। फिर मैसेजेस, ये कंसिडरेशन के लोग आ रहे हैं आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस वाली जो चीज़ है ना, ये हम बेसिकली करेंगे यहाँ पर अपनी कैंपेन में। वजह क्या थी, हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो हम ट्रैफिक और कन्वर्जन वाली कैंपेन, ये देख रहे हो तमाम कैंपेन जो है ना, इतनी सारी कैंपेन्स को फेसबुक ने कहा कि जनाब इसको तुम बनाओ बॉल में, और बॉल बनाने के बाद इन सबको एक जगह कर दो। इसने छह कैंपेन में टोटल तोड़ दिया। अभी अवेयरनेस के अंदर तुम लोग अगर देखो तो रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ये अवेयरनेस के अंदर आ गया। ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल्स। इंगेजमेंट में मैसेंजर, अच्छा ये देख लो ट्रैफिक और एंगेजमेंट दोनों के अंदर इन्होंने मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों इंक्लूड किए हैं, ट्रैफिक पे भी और इंगेजमेंट में भी। ये डिफरेंट करता है जब आपकी रिपोर्टिंग होती है ना, तो उसके अंदर कौन सा मैटर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जनाब ये टोटल छः हैं, मुझे बेचना था जूता, लेकिन जूता जो है उसके लिए मेरे पास वेबसाइट नहीं है, तो मुझे मैसेजेस चाहिए, मैं नहीं जानता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक कैंपेन है,
ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक शूज, क्योंकि तुम्हारे पास आइडेंटिटी ये नेमिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है ये जब, ये शूज की कैंपेन है, ठीक है। अच्छा ये तुम लेफ्ट हैंड पे अगर आप लोग ये देखो तो ये कैंपेन आता है, ये एड साथ एड सेट आता है, एड सेट लिखा है, ये एड आता है, ये कैंपेन एड सेट और एड। एड सेट के अंदर मैं भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ क्या होता है। कैंपेन में आपको पता चल गया जनाब, ऑक्शन मतलब जाहिर सी बात है आप अपने जो एड्स हैं वो एक ऑक्शन में भेजते हैं। जब आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं ना तो आपका एड ना दूसरे बिडर्स से, जो दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं उनसे जाके एक ऑक्शन में शामिल हो जाता है, और फिर आपका एड जीतता है तो फिर वो फीड पे नजर आता है। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल हादी साहब ने एक ऐड लगाया जूते का, और वहां से एक रमीश साहब आ गए, रमीश साहब ने कहा कि भाई जब मैं भी जूता बेचता हूँ, तो अब उनका बजट जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा है और मेरा बजट उनसे कहीं कम है, और बजट के साथ साथ मेरा क्रिएटिव भी अच्छा नहीं है, क्रिएटिव जो आपके एड्स होते हैं वो भी अच्छा नहीं है। उन्होंने जो रील्स भी बनाई हुई है, उन्होंने स्टैटिक भी बनाया हुआ है, उन्होंने वीडियो एड भी बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है। तो अब ये दोनों मुकाबले में कम्पीट करेंगे, जिसका क्वालिटी स्कोर ऊपर हो गया, मतलब जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, लोग ज्यादा हुक रहे हैं उसके, उस पर क्लिक क्लिक्स कर रहे हैं, उसको बेटिंग में जितवा देगा। और आप दूसरा जो है उस वाले की ना कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ती चली जाएगी, मतलब मेरे बार मेरा तो बुरा था एड, तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट बुरा जाना शुरू हो जाएगा, इसका कॉस्ट पर रिजल्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लोग खुद बहुत इंगेज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन होता है ए बी टेस्ट, और ये आगे की चीज़ें ये आपको बाद में बताएंगे, ये बनना बहुत सारा हो जाएगा। अच्छा जी ये नीचे इन्होंने ये एडवांटेज कैंपेन बजट होता है, कैंपेन आपने पूरा का पूरा जब आप बजट आपको सेट नहीं करना होता ना, मैं आपको सिर्फ इसको छोड़ दो, उसको ऑन नहीं करना, अभी हमने ऑफ ही रखा था उसको। ये देख रहे हो यहाँ पे मैसेजिंग ऐप आ रही है। अब यहाँ पर वो डेमोग्राफिक इस्तेमाल करेंगे हम, वो टारगेटिंग इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले डिस्कस की थी। अब मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्लिक्स, यूनिक रीच, यूनिक रीच वो होती है अलग अलग बंदे तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाना। वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे, एक दफा एक बंदे को दिखाएगा वो एड। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्जेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। कन्वर्जेशन आपको चाहिए थी, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करनी थी, आपने कन्वर्जेशन करवाओ भाई मेरी। अच्छा अब आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल जब आप पेज से कनेक्ट करते हो ना, मेरे इस वक्त क्योंकि डेमो अकाउंट है, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर एक और पेज कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये अकाउंट होगा, अब इस अकाउंट का इंस्टाग्राम भी है, इसका व्हाट्सएप भी है, कहाँ पे बात करना चाहते हो। तो इंस्टाग्राम जितना सेलेक्ट हो गया इसी तरह व्हाट्सएप भी सेलेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर ना सबसे बड़ी ऑडियंस साइज 18 साल से लेकर 34 साइज की ऑडियंस है हमारी, और वो अच्छी खासी और ऑनलाइन के अंदर मौजूद है। और वेमेन का जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा बिकता है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पे, इंस्टाग्राम की रील्स पे, इंस्टाग्राम बेसिकली वहाँ से कन्वर्जेशन ज़्यादा आती हैं, और वो इस्तेमाल ही खवातीन अक्सर ज़्यादा करती हैं जो डाटा बोल रहा है हमारा। उसका चाहो तो मैं आप लोगों के साथ अभी मीडियम के कुछ ब्लॉग्स भी अपने शेयर करूंगा, मैं आप उसमें पूरा का पूरा डिजिटल स्टैट्स डाला हुआ मैंने पाकिस्तान का, कि इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं पाकिस्तान के, और उसमें से वेमेन कितनी है, मैन कितने हैं। तो मैंने मेरा प्रोडक्ट था भाई, वापस आते हैं अपनी ब्रीफ पर, मेरा प्रोडक्ट था मेडिकेटेड जूते बेचने थे मुझे, मैं समझता हूँ कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बिकेगा, ये मैं एक डेमो अकाउंट के तौर पर आपको बना रहा हूँ। अच्छा भाई डेली बजट मेरा मंथली बजट 50,000 रुपये था, तो मतलब 10 दिन का बन गया 5,000 रुपये, ऐसा ही है। नहीं, 5,000 रुपये नहीं, अलग बजट चल जाएगा, तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये के करीब में। हाँ अच्छा अब मैं, लेकिन शुरुआत जब हम किसी भी बजट की करते हैं ना, ये अब बात हमेशा याद रखो, फेसबुक जो है ना आपकी ऑडियंस को ढूंढता है, और वो ढूंढने के बाद आई विल ऑल्सो शेयर द डॉक्यूमेंट फाइल विद यू लेटर ऑन, अभी हम इसको लेके चलते हैं। बजट में हमेशा ऑडियंस को वो खोलता है, देखता है कि तुम किसको टारगेट करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ यार अभी मैं शुरुआत करता हूँ छोटे बजट से, मैं कहता हूँ 2,000 रुपये इसको महीने के दिन के दो, ये देख रहे हो यहाँ पे डेली बजट है, यहाँ पे लाइफ टाइम बजट है, तो मैं लाइफ टाइम एक महीने का भी सेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आज से स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल जुलाई 1 से स्टार्ट करना है तुमने, और जुलाई 31 तक सिर्फ एक ही कैंपेन चलाऊंगा मैं, और उसी को पूरा बजट दे दूंगा मैं 50,000 रुपये। आई वुडेंट रिकमेंड यू गाइस टू डू दिस,
मैं नहीं कहूंगा कि ये कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में मसला ये होता है कि भाई वो अपने हिसाब से खर्च करता रहता है। डेली बजट प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि आप डेली डेली उसकी वो देख रहे होते हो, कैंपेन्स देख रहे होते हो, उसको मॉनिटर कर रहे होते हो, उसके हिसाब से आप उसको चेंजेस कर रहे होते हो। डेली बजट में आपका फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये आपने कहा कि डेली बजट में रख रहा हूँ, ये स्टार्ट हो जाए कल से। अच्छा, अगर आपको भी एंड डेट रखनी है कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पॉज करना बंद भूल गया तो इस डेट तक बंद हो जाए, तो यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हो, वरना आप इसको यहाँ पे बंद करके ये आपकी बजट वगैरह यहाँ से सेट हो जाएगा। ये देख रहे हो इस साइड पे मुझे दिखा रहा है कि इस बजट में 2,000 रुपये के डेली बजट में 5.3 के लोगों तक रीच होगी, से मैक्सिमम 15 के लोगों तक रीच होगी। अभी मैंने नीचे नहीं आ रहा हूँ, मैं नीचे आता रहूंगा ना तो तुम लोग ये देखते रहोगे कि ये चेंज होता रहेगा यहाँ पर। और ये एस्टिमेटेड साइज भी यहाँ पर मुझे दे रहा है 42 मिलियन का ना, कि इस हिसाब से ऑडियंस साइज इतनी है। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे तुमने मुझे करना है, 2,000 रुपये का मैंने डेली बजट दे दिया। हम चला रहे थे कराची और पंजाब में, राइट? ऐसे ही था। ये कराची यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये पंजाब यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये पंजाब दो होते हैं, ख्याल रखना, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, तुम पाकिस्तान वाला सेलेक्ट करना। ये ना हो कलकत्ता से ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास, मुंबई से ऑर्डर आ रहे हैं, मेडिकेटेड जूते भेजते हैं, क्या करेंगे आप। अच्छा जी, अच्छा ब्रीफ पे वापस जाते हैं। एज हमारी क्या थी, 18 से 40 की, सही है? अच्छा जी, 18 से 40 साल तक की, ऑल जेंडर्स हैं। ऑल जेंडर्स के बजाय हम विमेन पे आएंगे सिर्फ। ये तुम्हारा, अब देखो ये कन्वर्जेशन दिखाता है ये जीरो है, लेकिन ये आपको रिजल्ट्स लाना शुरू करता है, ये आपको रीच दिखा रहा है कि भाई अभी तुम तो मुझे बता रहे हो उस हिसाब से तो कोई भी नहीं है, लेकिन आएंगे तुम्हारे पास, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फेसबुक जो है आपको डराता है, यू एड सेट मे गेट जीरो रिजल्ट, ये डराता है आपको, आपको एक दफ़ा चलने देना होता है। फिर यहाँ पर आओ, डिटेल टारगेटिंग है ना, ये देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर वो होता है आप डेमोग्राफिक, मतलब आपकी खवातीन कौन है, क्या करती हैं, किस तरीके की हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, वो आप डालते हैं यहाँ पर, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था। एडिट में गए, अच्छा हमने कहा कि जी ये, अच्छा ब्राउज में तुम्हें दिखाऊं, ब्राउज में देख रहे हो डेमोग्राफिक्स में तुम्हें ये दिखाता है कि उनके एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क। पाकिस्तान के अंदर इतने मैक्सिमम डेमोग्राफिक्स नहीं, ये नहीं पकड़ता, यूएस वगैरह में या इंटरनेशनल जब तुम लोग एड चलाते हो ना तो उसमें ये पकड़ लेगा, लेकिन पाकिस्तान में एज सच कोई है नहीं इतना। फॉर एग्जाम्पल वो फाइनेंशियल आपके इनकम, हाउस होल्ड, टॉप 10% ऑफ सपोर्ट्स यूएस, देख रहे हो यूएस यूएस यूएस, पाकिस्तान का नहीं। तो कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान में ऐड चलाते हुए, यूएस में चलाओगे तो तुम्हारे पास खुला ही खुला है कुछ। अच्छा जी, फाइनेंशियल्स हो गया, लाइफ इवेंट्स हो गया, पेरेंट्स, क्या वो पेरेंट्स हैं, ऑल पेरेंट्स अप टू 12 मंथ एडल्ट चिल्ड्रन है, मतलब उससे पता चलता है कि जब कोई बंदा माइलस्टोन अपना लगाता है या कोई मैं पेरेंट बन गया हूँ और उसको उस अपडेट को डाले हुए ड्यूरेशन कितना हो गया, उस हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। ये तमाम आपको डेमोग्राफिक पता चल जाते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेमोग्राफिक आपने देख लिया, इंटरेस्ट में आए किधर है भाई इनका इंटरेस्ट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में। अच्छा ये पूरा ये सेलेक्ट करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएंगे, ये देख रहे हो पूरा ऑडियंस डेफिनेशन में चला गया कि जनाब ये 12,000 से 11,000 तक आ गए। अच्छा बिजनेस के अंदर भी नीचे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो बहुत एक्सटेंसिव इंटरेस्ट होते हैं इसके अंदर। हमारा था शॉपिंग एंड फैशन, खवातीन के जूते बेचें तो शॉपिंग एंड फैशन हो सकता है उनका, ऐसा ही है, बिहेवियर में आ जाते हैं कि किस तरीके से बिहेव करते हैं वो ऑडियंस हमारी, क्या वो मोबाइल डिवाइस यूज़र है या मोबाइल टैबलेट वालों को दिखाना चाहते हो। बहुत एक्सटेंसिव है, एक दफ़ा इसको एक्सप्लोर करोगे तुम लोगों को समझ, अभी हो सकता है ओवरवेलम होना शुरू हो जाओ। तो आई विल टेक यू गाइज बैक फ्रॉम दिस, और इसके लिए या यू यू गाइज विल गेट क्यू ए टाइम अराउंड 10 मोर मिनट्स। सो देख रहे हो ये तमाम के तमाम उसने इंटरेस्ट डाल दिया, तो मैंने सिर्फ वो सेलेक्ट किया था, उसने पूरे इंटरेस्ट उठाए और डाल दिया। अच्छा तमाम, देखते हैं कि स्टाइलो वगैरह इस पे है कि नहीं, वरना वो सर्च भी कर सकते हो तुम स्टाइलो शूज देगा। स्टाइलो हमारा वो था कि उनका इंटरेस्ट है इसमें, स्टाइलो डाल दिया। वॉकीज है, वॉकीज सेट करते हैं, कुछ को उसने ना रोका हुआ है समय, वॉकीज आई होप दिस इज दिस नहीं इसमें। अच्छा जी उनका और इंटरेस्ट मेडिकेटेड शूज, नहीं है शूज में इंटरेस्ट है, प्राइस शूज, ऑफिस शूज, बाटा शूज, बाटा के देख लो फुटवेयर आ रहे हैं, टीसी शूज, चलो
बाटा कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, फिर इंगेज शॉपर्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदती हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑनलाइन भी कन्वर्जन ज़्यादा है, तो उनको सेलेक्ट कर लो, तुम बिहेवियर में आता है। बिहेवियर जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें इंसान का बिहेवियर पता चल जाए एक दफ़ा, उसके बाद तुम उनको टारगेट करना शुरू करो, फेसबुक खोल देता है इनको। ये तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिया। वेमेन हो गई 18 से 40 की, कराची में थी, इस पर थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा जी, दो चीज़ें और हैं, प्लेसमेंट, ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रेकमेंडेड, फेसबुक रेकमेंड करता है, वो कहता है कि भाई तुम्हारे ऐड में आने वाला हर जगह दिखाऊंगा, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी दिखाऊंगा, फेसबुक पे दिखाऊंगा, हर जगह दिखाऊंगा। लेकिन तुम कहते हो भाई नहीं, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम की फीड पे ऐड दिखाना है बस, उसके अलावा मुझे फेसबुक पे भी नहीं दिखाना, मुझे फेसबुक की उस पर नहीं दिखाना। चलो एक एक और इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मेरे पास आया स्पोर्ट्स शूज का ना, आर दे अवेलेबल, आर स्पोर्ट्स पेज ऐड बना रहा, नहीं, नो नॉट अवेलेबल। शूज में जाओगे ना तुम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ दिमाग में आ रही है उसको यहाँ पर लिखो एक दफ़ा, उसमें देखो तुम्हारे पास वो आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट में डाल दो। अच्छा जी, एडवांटेज प्लस पे वापस आते हैं, तो ये कहता है कि भाई दिखाओ, तुम कहते हो नहीं मुझे चाहिए इंस्टाग्राम पे, सिर्फ वहीं पर ऐड दिखाने हैं, तो तुम यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट है इस पर क्लिक करोगे, इसमें आता है मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तुमने कहा नहीं मुझे मैसेंजर के अंदर भी ऐड नहीं दिखाना, अक्सर देखा है मैसेंजर खोलता तो बीच में छोटी सी पट्टी आई हुई होती है लाइक स्पॉन्सर्ड ऐड की, तो वो मैसेंजर में अक्सर ऐड आते हैं, मैसेंजर ही बंद कर दिया तुमने। तुमने कहा जी फेसबुक भी नहीं चलाना मुझे। अच्छा जी, अब फेसबुक तो, अच्छा इंस्टाग्राम तुमने सेलेक्ट कर लिया सिर्फ यहाँ पर, अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी कहाँ, फीड्स पे, स्टोरीज एंड रील्स पे, इन स्ट्रीम्स पे, देखो बराबर में तुम्हें ये डेमो भी दिखा रहा होगा कि किस तरीके का दिखेगा, या सर्च रिजल्ट में, तुम कहते हो मुझे सर्च भी नहीं करा, फिर फीड पे जाना चाहिए, स्टोरीज एंड रील्स पे जाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जितना फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट करोगे ना उसको ऐड दिखाना और मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर स्टार्टर्स आई वुड प्रेफर कि तुम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स खोलो और उसको जाने दो, उसको एक दफ़ा मशीन लर्निंग में जाने दो, एक दफ़ा मशीन लर्निंग में घुसेगा तुम्हारी ऑडियंस खुद ही निकाल के देगा। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली अगर तुम्हारी क्लाइंट ने तुमसे कहा है मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, तुम्हें फीड्स पे एक ऐड चल रहा होगा इंस्टाग्राम की, ये देखो फेस फीड्स पे भी अगर तुम ड्रॉप डाउन करो, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम की फीड सेलेक्ट हुई हुई है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड सेलेक्ट हुई हुई है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर सेलेक्ट हुआ हुआ है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर का होम सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है भाई इंस्टाग्राम सही है, आगे आ जाते हैं। ये एड सेट वाली जो जगह होती है ना, एड सेट वाली जगह पे तुम्हारी बजटिंग, तुम्हारी टारगेटिंग और तुम्हारी प्लेसमेंट, बजटिंग, टारगेटिंग और प्लेसमेंट, ये तीन चीज़ें तुम्हारी एड सेट लेवल में सेट होती हैं। तो चाहो तो लिख लो बजटिंग, प्लेसमेंट्स और टारगेटिंग, ये तीन चीज़ें एड सेट लेवल में होती हैं। ने कहा भाई सही है आगे आ जाओ। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया, कह रहा है यार तुम इतनी छोटी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो, मैं तुम्हें क्या डेली रिजल्ट दिखाऊं, तो अनअवेलेबल कर दिया इसने। लेकिन ये एक दफ़ा आगे जाएगा, हाँ भाई ठीक है यार डेमो अकाउंट में ही उससे देता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ इस वजह से एरर आ रहा है कि मेरा अकाउंट प्राइवेट है, तो कह रहा है कि भाई अकाउंट प्राइवेट है तुम्हारा, उस पर ऐड नहीं चल सकता, पब्लिक अकाउंट बनाओ। लेकिन चलो यहाँ पे अल्लाह करे ये मुझे ऐड का प्रीव्यू दे दे, ये देख रहे हो यहाँ पर ऐड आता है, यहाँ पर हम एक ऐड लगाते हैं, ये देख रहे हो कैरोसेल, मैंने बताया था, मुझे कहा था सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, और यहाँ पे एक मल्टी एडवर्टाइजर एड्स भी सिलेक्ट हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लिए बहुत हो जाएगा अभी सिंपल सिंपल लगते हैं। नाम रखा तुमने शूज़, ये तुम लगा रहे हो एक स्टैटिक ऐड, स्टार्टिंग ठीक है जी। और अब ये देख रहे हो ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अब यहाँ पर तुम्हारे पास अकाउंट इमेजेस तो आ जाएंगी, तुम राइट हैंड पे देखो यहाँ पे अपलोड का बटन है, अपलोड के बटन पे सेलेक्ट करो, ये देख रहे हो ये शेट फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है मेरे पास शूज प्रोमो इंस्टाग्राम पोस्ट, ये एक डेमो मैंने बनाया हुआ, ये तुमने ऐड की तुम्हारे पास बनकर आ गया पोस्ट, तुमने इसको नेक्स्ट किया। अब ये तुमसे पूछेगा भाई तुम्हारी स्टोरीज में ऐसा दिखेगा, क्या करना चाह रहे हो ऐसा दिखाओ, ये कहता नहीं भाई ओरिजिनल रखो। अब वो कह रहा है यार तुम्हारी शॉप सर्टेन प्लेसमेंट कुछ में नहीं दिखेगा क्योंकि मसला होगा ऐसे। अच्छा तुम कहते हो यार नहीं काम करो इस ऐड को तो इधर ही रहने दो, लेकिन अब इधर जो है ना तुम इसको रिप्लेस करो। अब रिप्लेस किससे करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इसी ऐड का कोई फुल स्क्रीन वाला कुछ बना हुआ है,
अब आई डोंट रिमेम्बर मेरे पास कोई फुल स्क्रीन वाला कुछ बना हुआ हो। चलो मैं ये ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक जेनेरिक पिक्चर है। तुमने एक स्क्वायर इमेज बनाई है और एक तुमने बिल्कुल वर्टिकल इमेज बनाई है फुल स्क्रीन पे। अब ये देख रहे हो इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ऐसा ऐड शो होगा फीड पर, और इंस्टाग्राम की रील्स पर इस तरीके का ऐड शो होगा। तो तुम बस अपने हिसाब से क्रिएटर्स को डिजाइनर से बोल के कि भाई मुझे 9x16 वाला जो है ये देखो सेलेक्ट कर दिया, रिकमेंडेड पूरा का पूरा आ गया। अभी 9x16, और इसको कहते हैं 1x1। 1x1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी साइजिंग पूरी एक ही है। 9x16 इसको इसलिए बोलते हैं, 9 वेट और 16 इसकी लेंथ है, तो 9x16 इसको वर्टिकल ऐड बोलते हैं। कोई भी ऐड बनाओ, इसके दो वेरिएशन बना लो, नेक्स्ट कर लो, अलाउ एनहेंसमेंट। ये एनहेंसमेंट कुछ फेसबुक खुद अपनी तरफ से ब्राइटनेस बढ़ाता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, इसको कर लो, डन किया। अब ये देखो तुम्हारे बराबर में तुम्हें ये इस तरीके का प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाएगा कि यार ये फीड पे इस तरीके का है, इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर कैप्शन डालना है तुमने, तो कैप्शन तुमने डाला प्राइमरी टेक्स्ट में, मेडिकेटेड शूज। की मैसेजेस क्या थे तुम्हारे? हॉट सेलिंग, यस कर दो, हॉट सेलिंग, मेडिकेटेड शूज, थर्टी परसेंट लेस कर दो, या जो रेट्स लगे हैं तुम्हारे वो रेट्स तुमने क्रिएटिव के अंदर लगा दिए, डिस्काउंटेड रेट्स, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ये तुम्हारा देख रहे हो हॉट सेलिंग मेडिकेटेड शूज। इसमें चाहो तो तुम्हारे पास कोई दूसरा टैक्स डालना चाहो तो दूसरा टैक्स भी आ जाता है इसमें। तो फॉर एग्जांपल, नहीं जनाब मैं ये नहीं डाल रहा इसमें, मैं ये भी डाल सकता हूँ, हॉट सेलिंग मेडिकेटेड शूज 10% डिस्काउंट फॉर ऑल फॉर एवरी वुमेन नेम्ड, एवरी वुमेन फ्रॉम IBA। कोई भी ऑफर निकाल दी यार, इसको तुमने दो दिया। अभी ये ना थोड़े से कीवर्ड देखता है, याद रखो जो तुम्हारे कीवर्ड तुम यहाँ पर इस्तेमाल करते हो ना, अक्सर ये इनको लेता है और उससे भी टारगेटिंग करता है। फिर ये IBA है ना, IBA वाले लोगों को जो इंटरेस्ट में है ना उनको दिखाता हूँ, तो इसमें इसको भी थोड़ा सा ना बेहतर बना सकते हो तुम। फिर लेकिन अब इसका तरीका कंट्रोल भी करता हूँ, देखो बोल्ड नहीं होता, तो इसको भी एक बोल्ड करने का तरीका जो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको अभी हम इधर ही रोकते हैं। ऐड टैक्स किया आपने, सेंड मैसेज करना है, क्या करना है तुम्हें? देखो यहाँ पर ना एक बटन आ रहा है, ये बटन है सेंड मैसेज आ रहा है, इधर भी इंस्टाग्राम पे, इधर इंस्टाग्राम पे, और ये देख रहे हो स्टोरीज के अंदर ये इस तरीके से दिखता जो भी तुम्हारी तुमने पोस्ट लगाई हुई है। मैं कहता हूँ भाई मैं सेंड मैसेज भी रखो इसको। ये दो मेरे कैप्शन कॉपीज हैं जो तुम अपने कंटेंट राइटर से लिखवाओगे, इसमें इमोजीज डलवा लो चाहो तो इमोजीज डल जाते हैं इसको, इमोजी फायरिंग वाला जो फायर वाला इमोजी होता है इस तरीके से, फ्लैट 30% ऑफ, कुछ भी कर सकते हो तुम, अप टू यू गाइस। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक चैट बॉट बना सकते हो अपना, क्योंकि तुमने मैसेजिंग चाहिए थी, तुम्हें यहाँ पे चैट बॉट बना के क्रिएट न्यू करोगे, यूज एग्जिस्टिंग कर सकते हो अगर तुमने कोई पहले से बनाया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर शायद मैंने कोई बनाया हुआ, तो क्रिएट न्यू ही करते हैं इसको। एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर यहाँ से आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपका ऐड चलना शुरू हो गया। याद रखो जो भी ऐड होता है ना वो हमेशा सबसे पहले लर्निंग फेज में जाता है। लर्निंग फेज वाले ऐड कम से कम 50 कन्वर्जेशन या 50 कन्वर्जन तक लर्निंग में चले जाते हैं। वंस द कन्वर्जन या जो लर्निंग पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। लर्निंग में ये ऑडियंस ढूंढ रहा होता है, ये कराची में बैठे डिफेंस में भी खवातीन को ढूंढेगा, ये सुरजानी में बैठी खवातीन को भी देखेगा, ये तमाम किस्म के ऑडियंस को देखेगा कि अरे मेडिकेटेड शूज में इंटरेस्ट कौन है, फिर उसके बाद वो खत्म कर देगा। तो अच्छा जी, इसको मैं, क्योंकि 8:45 हो चुके हैं, बस नाउ यू गाइस कैन हैव योर क्वेश्चन आंसर सेशंस। मैं इसको इधर ही कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद आखिर में जब सवाल जवाब हो जाएंगे तो फिर मैं आपको एक असाइनमेंट देके फिर हम इसको क्लोज करेंगे।
सो गाइस, अब आप लोगों के सवाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ से पब्लिश करोगे तो कैंपेन तुम्हारी चल जाएगी। अच्छा जी, एक एक करके शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी लर्निंग फेज ऑफ एन एड? यार लर्निंग फेज वही अभी जिस तरह मैंने बताया, जब 50 कन्वर्जन्स या तो परचेज हो जाए या कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाए, एक पीरियड अगर ये देखता है कि यार कन्वर्जेशन 50 हो गई हैं, अब ये लर्निंग फेज से बाहर आ जाता है। ये लर्निंग फेज से बाहर आएगा, फिर उसके बाद इसको पता है कि भाई ये लोग सही चल रहे हैं, इसने ऐड अभी तक पॉज नहीं किया, इसको जाने दो। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्लाइंट सवालात है ना, तो उसको एक दफ़ा उसमें लिख दो चैट बॉक्स में, मैं उधर आप लोगों के जवाब दूंगा। अच्छा, हाउ टू एड कम्पिटिटर्स इफ दे आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट लाइक वॉकीज वॉक। देखो, जरूरी नहीं है कि आप लोगों का हर कम्पिटिटर वहाँ पर मौजूद हो, उसका इंटरेस्ट में डाल सकते हैं। वो जिसका बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, अक्सर जिसमें नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, वो मिल जाएंगे तुम्हें, ये वॉकीज वगैरह नहीं मिलेंगे उसमें। उसकी वजह ये है कि इसकी तुम्हें स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है एक दफ़ा, कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से तुमने डालना पड़ता है, और थोड़ा सा ना उसको ब्रीथिंग स्पेस दिया करो एड को। हर कम्पिटिटर डालोगे तो फायदा नहीं है। बी वेरी, अपने क्रिएटिव जो है ना, ग्राफिक्स वगैरह, उनको बहुत हॉट सेलिंग बनाओ, उन कैप्शंस को बहुत कैची बनाओ, तुम्हारा क्यों कन्वर्सेशन स्टार्ट होना शुरू होंगे। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, कितना कमीशन लगेगा? अच्छा नहीं, देखो यार, क्लाइंट्स ढूंढने के लिए भी मुख्य तरीके हैं। लीड जनरेशन की कैंपेन होती है, लीड जनरेशन की कैंपेन चला, उसमें अपने वीडियोस, अपने स्टैटिक पोस्ट, अपना जो भी तुम्हारा क्लाइंट जिसके साथ तुमने कोई काम किया है कभी, उससे वीडियो टेस्टिमोनियल बनवाओ, लीड जनरेशन की कैंपेन में जाओ और उसको वहाँ पे डालो कि जनाब मैंने अहमद नवाज साहब के साथ काम किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा सा टेस्टिमोनियल करके सोशल प्रूफ बढ़ाओ अपना, और वहाँ से लीड्स लो और लीड्स को कॉल करो, मिल जाता है क्लाइंट, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, अगर हम वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर लेना चाहें तो ठीक है भाई। देखो, वेबसाइट के थ्रू ना तुम लोगों का एक आखिर में जाके पेमेंट इन्फो वगैरह का, चेकआउट का इनिशिएट करने का आता है, उसके लिए तुम्हारे पास दो प्रति कैंपेन्स होते हैं, तो मैं चाहो तो अभी यहीं पर एक बात मतलब। अच्छा जी, ये ड्राफ्ट हो गया, मैं इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आओगे ना क्रिएट में, देख लो सेल्स, जब आपकी एक दफ़ा आपकी वेबसाइट और डोमेन जो आपके एड मैनेजर से वेरीफाई हो जाता है, या आप उसको एक दफ़ा कनेक्ट कर देते हैं, तो सेल्स पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पे जाओगे, तो वो तुम्हें ये जो आपकी वेबसाइट का थैंक यू पेज होता है, जो आप पेमेंट करते हो तो थैंक यू आता है, उस पर एक पिक्सल लग जाता है, कोड लग जाता है। वो कोड बेसिकली करता ये है कि आप वो ट्रैक करता है लोगों को कि आपकी वेबसाइट पे लोग कितने किधर किधर घूम रहे हैं, वो किस पेज पे है, कौन से वेब पेज पे विजिट किया उन्होंने, कौन से पेज को जाना, और इस तरह वो उस ऑडियंस को उठाता है, उनको टारगेट करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास जो दो कैंपेन्स होंगी ना, वो होंगी एक तो सेल्स की और एक तुम्हारे पास ट्रैफिक की। इसमें लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज व्यूज ये होता है कि तुम ये फेसबुक से कहते हो कम से कम मुझे ऐसा ऑडियंस दो जो मेरी वेबसाइट पे आके फौरन भाग नहीं जाए, बल्कि मेरे लैंडिंग पेज को, जो भी हमारा यूआरएल है, उस यूआरएल को खोल के एक दफ़ा पढ़े और उसके बाद भले गई भी चला जाए। तो वो दो चीज़ें कर सकते हो। वाई सब सम कैंपेन्स आर प्रॉफिटेबल बट आर नॉट स्केलेबल? दो वजूहत हैं इसकी। देखो, फेसबुक का मैं तुम्हें अगर खुल के चीज़ बताऊं, तो फेसबुक की मशीन खुद कहती है कि अगर मतलब ज़्यादा पैसे दो मुझे, तो आपको उसको ज़्यादा पैसे, और एक सीजनैलिटी भी सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक सीज़न चल रहा है, वो सीज़न में तुम एक बार तुम 1,000 लोगों को एक ऐड दिखाते हो और में से 500 लोग तुम्हारे इंटरेस्टेड हैं, तुम्हारे 500 लोगों ने धड़ाधड़ खरीदा। अच्छा, एक साथ सबने नहीं खरीदा, तुम्हारे पास परचेज तो आना शुरू हो गई, यार ये 500 परचेज मेरे पास आ गई हैं, अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी 500 भी खरीदें, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे ना। तो तुम्हारा ऑडियंस साइज भी होता है ना, अक्सर ये होता है कि भाई हॉट सेलिंग चीज़ है, बिक गई, अब तो खरीद ली ना जिन्होंने खरीदनी थी, अब वो रेफरल का वेट करो, अब वेट करो कि तुम उनके रिव्यूज आए, तो उस तरीके से वो आगे उसको लेके चल सकते हैं। वॉट इज द बेस्ट वे ऑफ रनिंग एड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट के लिए तुम, एनजीओ के लिए अगर तुम बात कर रहे हो, तो तुम्हारा फंड रेजिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। यार एक दो तरीके हैं उसके, इसमें भी कह लो वेबसाइट के ऊपर आप लोगों का जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज के ऊपर आपका वो बना होता है, पेमेंट गेट पे लगता है, उसमें आप बंदा आके पेमेंट कर सकता है, तो पेमेंट गेट पे वगैरह लगाओ, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस जो भी तुम्हारी एनजीओ है रिनोन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है उसकी कुछ बैंक्स वगैरह के अकाउंट खुलते हैं, उससे पे पेमेंट गेट पे बनता है तुम्हारा, पेमेंट गेट पे बना हुआ अगर तुम्हारा सब चीज़ें हुई भी हैं,
तो ट्रैफिक कैंपेन्स वगैरह चलाओ, कन्वर्जन कैंपेन्स वगैरह चलाओ, और वो अपने थैंक यू पेज के लिए ऑप्टिमाइज कर दो। लोगों को कैरोसेल ऐड दिखाओ, थोड़े से इमोशनल, थोड़े से ऐसे के जो हार्ट टचिंग हो थोड़े से, क्योंकि फंडिंग और एनजीओ के जितने भी एड्स होते हैं वो परफॉर्म तब करते हैं, उसके अंदर अगर ह्यूमन एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, अपने एड्स के अंदर जितना ह्यूमन एलिमेंट इस्तेमाल करोगे विनिंग एड बनेंगे। अच्छा जी, वॉट शुड बी द लीस्ट मिनिमम बजट टू स्टार्ट विद? यार टोटली अप टू यू वैसे तो, लेकिन फेसबुक जो है ना वो आपको कहता है कि आप कम से कम $1 एक दिन पे लगा सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन बोलता है $10 आपको एक दिन में कम से कम लगाना। तो आप $1 से आप शुरुआत कर लो, 500 1000 रुपये से देखो क्या कन्वर्सेशन स्टार्ट शुरू होते हैं, और उधर ही रखो, फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हारे पास क्लाइंट आना शुरू हो जाए तो उसके स्केल करना शुरू कर दो। स्टार्ट विद 1000-1500 रुपीज या मैक्स 2000 रुपीज अगर छोटे से कर रहे हो तो। अच्छा हाँ, ये इससे बड़ा अच्छा सवाल है किसी ने किया है कि द बजट वी हैव डिसाइडेड फॉर द कैंपेन, फॉर इंस्टेंस 50,000 हैव टू पे दिस टू मेटा और द क्लाइंट विल पे फॉर मोमेंट। बड़ा अच्छा सवाल, ये चीज हमने मिस कर दी। अगर तुम यहाँ पर आओ, एड्स मैनेजर का मैंने तुम्हें बताया था कि पहले एक्सेस लेना पड़ता है, वो एक्सेस अगर एड्स मैनेजर का क्लाइंट ने तुम्हें दिया हुआ तो उसका पेमेंट मेथड डाला हुआ होगा वहां पर, वरना ये बिलिंग, बिलिंग में आके आपने अपना कार्ड कोई भी यार नया पे वगैरह का या जो भी आपका वीजा डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है वो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। देखो पे ना हो है ना, कोई पैसे जो भी आपने ऐड चलाए होंगे वो यहाँ पर आप लाके डाल देंगे। पेमेंट सेटिंग में जाओ, देख रहे हो पेमेंट मेथड कुछ मेरे कार्ड अगर कोई डला हुआ था वो मैं अभी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन अगर कोई कार्ड डला हुआ था तो उस पर ट्रांजेक्शन जितनी हुई होंगी वो बता देगा आपको कि भाई इस पे इतने रुपए कटे थे, इसे इतने रुपए कटे थे, इसे इतने रुपए कटे थे। यहाँ से वो पेमेंट मेथड डलता है। फेसबुक सिर्फ पेमेंट के पैसे नहीं काटता बल्कि उस पर टैक्स भी लगता है, जो 5 से 7, 10% हो गया, 5 से 7% होगा तो वो भी कटता, तो ये जहन में रखना। ये आपने कैंपेन तो 1000 रुपये की चलाई थी लेकिन आप कार्ड से जो है वो 1000 1200 रुपये थी, 1250 रुपये कट रहे हैं, तो 250 रुपये टैक्स कटते हैं उसमें। तो आई वुड प्रेफर जब भी किसी क्लाइंट के लिए चलाओ तो उससे उसका क्रेडिट कार्ड लगवाओ या डेबिट कार्ड लगाओ, फिर उसके बाद से बोलो पेमेंट मेथड आप लगा के दो, हम खुद नहीं करेंगे। यू थिंक रनिंग सेल्स कैंपेन ऑन अ न्यू एड अकाउंट इज गुड? नहीं, कन्वर्जन अकाउंट जो होती है ना एड नए एड अकाउंट पर ना चलाओ, बल्कि थोड़ा सा उसको एक दफ़ा पिक्सल सेट कर लो ना, उसके जो कोड्स होते हैं पिक्सल पे हम बाद में आएंगे, अगर आप लोगों को न्यू एड अकाउंट का पता भी है तो। एक दफ़ा आपका पिक्सल लग जाए, आपकी वेबसाइट ट्रैकिंग शुरू हो जाए, डाटा आना शुरू हो जाए ना फेसबुक के बाद, उसके बाद आप चलाना शुरू करो उसे, फ़ौरन ना चलाओ, पहले ब्रांड अवेयरनेस और ट्रैफिक को थोड़ा सा पुश करो। यूजुअली क्लाइंट्स आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स इन द फर्स्ट 2 मंथ बट इट्स नॉट पॉसिबल इफ दैट अकाउंट इज न्यू, हैव यू एवर फेस्ड दिस सिचुएशन एंड हाउ डिड यू ओवरकम? देखो एग्जैक्टली दैट इज वॉट, हमारे यहाँ जितने भी बिजनेसेस हैं दे ऑल आर वेरी, एवरी वन ऑफ देम आई थिंक इज वेरी इंपेशेंट अबाउट दिस एंड दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स कमिंग इन इंस्टेंटली, इवन इफ दी एड्स आर नॉट परफॉर्मिंग और इवन इफ इफ दी एड्स आर नॉट इवन डिलीवरिंग। तो इनसे आपको बताना पड़ता है कि जनाब फेसबुक टेक्स इस टाइम, आपको फेसबुक के कुछ बताने पड़ते हैं कि सर आप एक्सपेक्ट जिस तरीके से कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, फेसबुक के एल्गोरिथम यही बोलते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ते हैं कि सर ठीक है आप किसी भी प्रोफेशनल के पास चले जाएं, कोई भी आपसे वादा कर सकते हैं चीज़ का, बल्कि आपको बड़े बड़े वादे करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आई कैन नॉट कोई चीज़ वादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्गोरिथम हर दिन चेंज हो रहे हैं। फेसबुक लर्निंग पे पीरियड लेता है जो 50 कन्वर्जन का होता है, तो 50 के बाद वो फिर वो आपको कोई एस्टिमेटेड कन्वर्जन बता, अपना एक ब्लॉग शेयर करूंगा जिसमें आपको मैंने आपको तमाम टर्म्स जो है ना बहुत ईजियर वे में के लिख दिए कि पिक्सल क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, बहुत ईजी टर्म्स में करती हैं, तो आप लोगों ना थोड़ी सी टेक्निकल टर्म कीवर्ड इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द लीस्ट बजट ऑफ फॉर ई कॉमर्स स्टोर? ई कॉमर्स स्टोर तुम्हारा सबसे पहला एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, तुम्हारा एक प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, अगर तुम्हारा एक ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का है तो कम से कम तुम कह लो कि तुम्हारी ऑडियंस पॉकेट साइज भी बड़ा होना चाहिए, अगर 500 रुपये का है तुम स्टार्ट विद द बेसिक बजट ऑफ 2000 मैन, स्टार्ट विद कह लो कि 2 से 2500 रुपये मिनिमम से शुरू करो। एकदम से बड़ा बजट दे दोगे ना तो फेसबुक कहता है इसकी जेब में बहुत पैसा है, इससे निकलवाओ पैसा,
तो वो फिर तुम्हारे ना परफॉर्म भी नहीं करवाने देता। स्टार्ट विद लो बजट एल्गोरिथम के साथ खेलो, उसको आराम आराम से पैसे दो, और लेकिन शुरुआत बहुत छोटे कंजूसों की तरह करो। व्हाट इज द बेस्ट कैंपेन फॉर प्रमोटिंग फूड बिजनेस? फूड बिजनेस, अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है। फूड बिजनेस के लिए आपके पास जो वीडियो एड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। आप उसको कन्वर्जेशन एड चलाएं। अगर फूड बिजनेस इज द फूड बिजनेस वही है कि जो घर के घर से खाने बना के फिर आप वो भेजते हैं, जरा इसको मुझे एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दें, उसके बाद फिर मैं इसको भी आऊँगा। क्वेश्चंस तो प्लीज कर दें। हाँ ठीक है। तो यार देखो, जो खाना बनाने की वीडियोस होती है ना, खाना खा बने हुए खाने की थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उसकी वीडियो बनाओ। टिकटॉक वगैरह मौजूद है तुम लोगों के पास, कैपकट मौजूद है, वीडियो एडिटर्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, उनसे रील्स बनाओ, और रील्स बना के फिर उनको इंस्टाग्राम की रील्स पे स्टोरीज पे उस पर एड्स चलाओ और कन्वर्जेशन स्टार्ट करवाओ। यूँ बिकता है। फिर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करो, इंस्टाग्राम की फीड में ये बनाओ कि हैंड होममेड खाने हैं, हेल्दी है, हेल्दी ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा हेल्दीनेस की तरफ और करो। फिर थोड़ा सा अपने रेट्स को बहुत क्लियर रखो, भाई इतने रुपए का बेचती हूँ, इतने रुपए का महीने का रेट है, इतने रुपए महीने में आपके पास ये खाने आएंगे, चीजें में क्लैरिटी आएगी, हेल्दीनेस का थोड़ा सा फिट रहेगा, चीजें भी कैश होंगी। व्हाट इज द बेस्ट कैंपेन फॉर प्रमोटिंग टेक एक्सेसरीज? वेबसाइट, ट्रैफिक कैंपेन, कन्वर्जन कैंपेन वंस दी पिक्सल आर इंस्टॉल्ड। तो ये दो तुम्हारी बेस्ट कैंपेन होती हैं, और साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस, इन तीनों का मिक्सर बना के चलो। शुरू के अंदर जब तुम बिल्कुल नए ब्रांड हो, थोड़ा ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट अपना जितना भी बजट है ना उसका एक स्प्रेड बनाओ। 60% तुम्हारा अवेयरनेस पे जाना चाहिए, 70% अवेयरनेस पे जाना चाहिए, 30% तुम्हारा रीटारगेटिंग पे जाना चाहिए। रीटारगेटिंग क्या होती है? वो लोग जो जिन्होंने तुम्हारी वेबसाइट विजिट कर ली है उनको दोबारा से तुम्हारी ऐड नजर आए, कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चेकआउट किया था, चेकआउट उसमें कार्ड ऐड टू कार्ड किया था, ऐड टू कार्ड के बाद चेकआउट नहीं किया, तुमको नजर आना चाहिए कि भाई ऐड टू कार्ड तो कर लिया, चेकआउट क्यों नहीं किया। इस तरीके की कम्युनिकेशन के साथ ऐड नजर आना चाहिए। अपना बजट स्प्रेड बना लो 70% और 30%, तो 70% अवेयरनेस और 30% बैड। अच्छा जी, going to close. If FB advertising is good for SaaS business, if every advertising is good for SaaS business targeting this market, yes, अच्छा, okay. Yes, it is. But I would prefer if they if you're going for the SaaS market in the US, I would prefer mainly to do go for if the product is high ticket size, yeah. So you should go for LinkedIn ads, and you should also optimize it for lead generations with the targeting the basically the decision makers, because LinkedIn के जो एड्स है ना बड़े कॉस्टली होते हैं SaaS के अंदर, लेकिन वो इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग देते हैं कि फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर कोई कंपनी जिसका LinkedIn पेज है ना उसके सीईओ साहब जो है उनको सिर्फ ऐड नजर आना चाहिए, वो इतनी टारगेटिंग देते हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। शुड वी ऑप्टिमाइज कन्वर्जन कैंपेन्स ऑन परचेज इवेंट और पुटिंग अ पिक्सेल? थैंक यू। सो आई वुड गो फॉर थैंक यू पेज। यार थैंक यू पेज पे ही बेसिकली इसको कन्वर्जन मार्क किया जाता है, तो कन्वर्जन मार्क तो कह लो कि ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तो, अगर पिक्सेल कोड आपने इसमें लगाया हुआ है तो आपका जो कन्वर्जन जहाँ पे थैंक यू पेज खुलता है उधर इसको मार्क कर दो, और वहाँ पर जितने भी लोग तुम्हारे आते रहेंगे वो तुम्हारी कन्वर्जन मार्क होती रहेगी। उसमें तुम वैल्यू भी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी तुम फेच करवा सकते हो थैंक यू पेज से, कि जहाँ पे आप इतने की आपने परचेज कर लिया तो वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। ब्रांड अवेयरनेस थोड़ा समझा दूं। अच्छा जी, ब्रांड अवेयरनेस देखो इसको इस तरह लो, तुमने एक मार्केट के अंदर अपनी शॉप खोल ली, उस शॉप के अंदर तुमने अपने लोगों को खाना खड़ा कर दिया कि यार ये पॉम्फलेट बांटो, ये स्टैंड ही लगा दी, ये तुमने लोगों को ना बना दिया 30% ऑफ, लोग आस पास से गुजर रहे हैं और तुम्हारी दुकान को देखते हुए गुजर रहे हैं। अब उनको दिमाग में बैठ गया कि जनाब एक दुकान है जो यहाँ इस फॉर एग्जाम्पल लकी वन की बात करो, लकी वन के अंदर मॉल के अंदर एक दुकान है जो 30% ऑफ दे रही थी, ब्रांड याद है उसको। इस मैट्रिक्स को के उसको देखने के बाद आपका ब्रांड याद है, ब्रांड रिकॉल लिफ्ट से मेजर किया जाता है, और इस कैंपेन को कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस। व्हाट इज द मेथड फॉर रीटारगेटिंग कैंपेन्स, लाइक व्हाट ऑडियंस शुड बी सिलेक्टेड इन दैट? यार ये देखो मैं आगे आगे लेके चलूंगा इसको, ये आगे अगर इंशाल्लाह अगर हम दूसरी भी क्लास करते हैं तो इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एक तो पिक्सल स्टॉल हो जाता है तो या कोई बंदा आपका ऐड देखने के बाद उसको सेव करता है या उसको कमेंट पे करता है तो उसको किस तरह टारगेट किया जाए, ये आल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, लेकिन पहले अभी हम बेसिक्स पर आते हैं। इज इट नेसेसरी और बेनिफिशियल टू ऐड
वैल्यू एवरी सिंगल टाइम। हाँ नहीं, एक दफा जब आप देखो कोडलेस में जब आप जाते हो ना, आप एक दफा पिक्सल लगाओ, फिर अपने इवेंट्स मैनेजर में जाओ, ऐड टू इवेंट्स, इवेंट्स मैनेजर में जाके ऐड इवेंट में जाओगे ना, तो तुम्हें वो वेबसाइट खोल के दे देगा। वेबसाइट में जाओ, थैंक यू पेज पर चले जाओ, थैंक यू पेज को कन्वर्ट मार्क कर दो, फिर परचेज पे जाओ, ऐड टू कार्ट पे जाओ, उस पे तुम्हें ना वो बताता है कि भाई इस पेज पे तुम्हें जो इवेंट मार्क करना है इस यूआरएल पे, कोई वैल्यू देनी है इसको, तो वैल्यू के अंदर वो तुम्हें पेज के ऊपर ही तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें बता दोगे कि यार ये टोटल लिखा हुआ है ना, इस पे वैल्यू मार्क कर दे, तो वो बता देगा कि जनाब 250 रुपये की परचेज हुई है, 500 रुपये की परचेज हुई है, ये वैल्यू मार्क करना है इसको। हाँ दी, इट्स अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग ऑल एंड ऑल टुडे आल्सो कैन प्लीज गिव सम टाइम सम डिनर इफ पॉसिबल, आई विल श्योरली डू दैट। इट्स इट डिपेंड्स ऑन द टीम लिंक स्टार के, अगर वो दूसरा कोई सेशन लगाना चाहते हैं मेरे साथ तो आई विल श्योरली डू दिस आफ्टर सम टाइम, तो उसको हम देख लेते हैं, समझ में आई विल श्योरली आई हैंड विद यू गाइस इफ यू गाइस इंटरेस्टेड और इफ यू गाइस शो द इंटरेस्ट टू टीम लिंक स्टार। सो या, तो आई थिंक दैट इज इट, अगर किसी के और कोई सवाल हैं। आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू एवरी वन। अच्छा जी, मैं एक आप लोगों को छोटा सा ना वो भी देना चाहूँगा असाइनमेंट। आप लोगों ने ब्रीफ देखी थी? ब्रीफ एक दफ़ा चाहो तो देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो अगर बाद में ना आ पाए आपके पास, तो आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए कि प्रोडक्ट नीश टारगेटिंग डेमोग्राफिक बजट ड्यूरेशन ऑब्जेक्टिव की मैसेजेस लैंग्वेजेस और असिस्टेंस भी प्रोवाइडेड। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बिल्कुल बहुत बेसिक बनाया हुआ है। मैं अब आप लोगों का दिमाग देखना चाहता हूँ कि क्रिएट अ ब्रीफ, ठीक है, चाहो तो खुद अपने जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसकी एक ब्रीफ बनाओ, या तुम किसी क्लाइंट को या अपने दोस्त को जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करता है उससे पूछ के एक ब्रीफ बनाओ, चाहो तो उसको कोई पीपीटी बना लो उसकी, या कोई अच्छा टेबल वेबल बना लो, अप टू यू गाइस, लेकिन मैं आई वॉन्ट यू गाइस टू क्रिएट अ ब्रीफ। और एक कैंपेन जिस तरह हमने ड्राफ्ट की थी ना, एक उसी ब्रीफ के ऊपर तुमने कैंपेन ड्राफ्ट करनी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अवेयरनेस का होगा, ठीक है, अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, वो सेलेक्ट करके उसको ड्राफ्ट करके उसके जो एड सेट है उस एड सेट की पिक्चर लेनी है तुमने, एड जो बनाया हुआ है एड की पिक्चर लेनी है, और कैंपेन जो बनाया हुआ है कैंपेन की विंडो की पिक्चर लेनी है। इन तीनों की पिक्चर्स लेकर जो भी ड्राफ्ट हो गया तुम्हारा उस ड्राफ्ट में को अटैच करना है। और प्लीज आई विल आस्क द टीम लिंक स्टार टू प्लीज कोऑर्डिनेट विद द पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस एंड आई वांट यू गाइस टू सेंड इट ओवर, ताकि फिर हम देख सकें कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ समझ में आई, और सवाल कोई भी हो तो प्लीज यू कैन गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, वहाँ पे तुम लोगों से सवाल पूछ लेना, कोई मसले की बात नहीं।